So as you know that we have done with this kind of counting, and I hope that you know the whole counting from 1 to 600 very well. So now it's a time to do the counting in this different ways, whatever given in the textbook. आपके textbook में अलग अलग तरीके से counting लिखने के तरीके बताए हैं, तो अभी हम लोग ये वाले सारे जो exercise है ये exercise हम लोग complete करेंगे. तो सबसे पहले एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द नंबर इन काउंटिंग ऑर्डर. इसी ऑर्डर में हमको नंबर कंप्लीट करना है, लाइक 201, देन 202, देन 203, 204, लाइक दैट. इन द सेम वे यहाँ पे दिया हुआ है 311, 311, आफ्टर दैट 312, 313, 314, लाइक दैट यू विल कंप्लीट. देन 401, देन इन द सेम वे 402, 403. तो इसी तरीके से जो सीक्वेंस, जो लाइन आपको दी हुई है उसी लाइन को आपको कंप्लीट करना है. 461 है, देन 642, 643, 644, इन दिस वे. देन 551, देन 552, 553, 554, इन दिस वे यू शुड कंप्लीट. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट द मिसिंग नंबर. इस कॉलम में आपको जहां जहां भी नंबर्स मिसिंग है वो नंबर्स फिल करना है. सो यू विल स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 101, 101, 102, 103, 104, देन यू विल कंप्लीट दिस लाइन एज वेल एज 110, देन 111, 112, देन यू विल कंप्लीट दिस लाइन हियर 120, देन 121, 122, 123, then in this way. इस तरीके से हमें 101 से 200 तक की पूरी काउंटिंग इस टेबल के अंदर कंप्लीट करना है. यहाँ पे आपको रैंडमली मिसिंग नंबर्स दिए हुए हैं, लाइक 121, देन 121, आफ्टर 121 वी विल राइट 122, देन 123, 124, इन दिस वे हियर 133, 134, हियर 142, 144. अब यहां पर 136 के बाद में क्या आता है, 137, और यहां पर 158 के पहले क्या आता है, 157. सो इन दिस वे वी विल फिल द मिसिंग नंबर. नाउ द नेक्स्ट कॉलम 178, 178 से पहले क्या आएगा, बिफोर नंबर ऑफ 178, दैट इज 177, देन 179 एंड 180. इन दिस वे नेक्स्ट कॉलम 188, 189, then 190, 197, 198, 199 and 200. So in this way we will complete this table also. यहां पर आपको backward counting दिया हुआ है 200 से 101 तक. reverse counting लिखना है आपको, आपको सब आता है क्योंकि आप लोगों ने first standard में भी reverse counting लिखा है. so यहां पे 200, 199, 198, then 197, 196, 195, like that we will complete. Here also 170 means 169, 168, 166. So in this way हम लोग ये पूरा टेबल जो है वो फील करेंगे, जहां पे 200 से 101 तक की काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग हमको कंप्लीट करना है. इन द सेम वे 300 से 201 तक का रिवर्स काउंटिंग है यहां पर, जो हमें कंप्लीट करना है 201 तक का. 300 से लगा के 201 तक का रिवर्स काउंटिंग हमें कंप्लीट करना है. देन यहां पर भी हमें बैकवर्ड काउंटिंग दिया हुआ है. 100, 100 से पहले क्या आएगा, 99, देन 98, देन 97. इन दिस वे ये वाली कॉलम हमें कंप्लीट करना है. सेकेंड कॉलम 201, 201 से पहले आएगा 200, देन 199, 198. तो जो नंबर आपको दिया है उस नंबर के पहले वाला कॉलम आपको कंप्लीट करना है. लाइक 301, तो 301 से पहले 30, देन 299, इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट करना है. यहां पर दिया हुआ है राइट द नंबर इन काउंटिंग ऑर्डर. इस तरीके से अभी ये हमने स्टैंडिंग कॉलम में काउंटिंग ऑर्डर कंप्लीट करना है. लाइक 141, 142, 143, 144, 145, 146, इन दिस वे. यहां पर 801 लिखा हुआ, 801 से पहले आएगा 800, देन 801, 802, 803, 804, इन दिस वे.
यहां पर दिया हुआ है 522, 522 से पहले आएगा 521, उससे पहले आएगा 520. सो इन दिस वे हमें स्टैंडिंग रो में ये कॉलम सारा कंप्लीट करना है. और यहां पर एक और एक्सरसाइज दिया हुआ है, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर. ये भी आपको सब आता है. आफ्टर नंबर आता है आपको मीन्स 25 के बाद का नंबर लिखना है, बिफोर नंबर मीन्स 7 से पहले का नंबर लिखना है, बिटवीन नंबर मीन्स इन दोनों के बीच का नंबर लिखना है. तो ये आपको होमवर्क में सेल्फ एक्सरसाइज करना है. तो ये सारे पेजेस यहां तक कंप्लीट करेंगे तब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो ये सारा होमवर्क जो है ये आपको कंप्लीट करना है. जहां पर भी नहीं समझ में आए यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क योर पेरेंट्स. ओके, थैंक यू सो मच बेटा.